इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2020। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम के बाद में अब इंतजार हो रहा है कि कब तक उनका रिजल्ट जारी होगा और इस बार की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली, क्या वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। दोस्तों इसको लेकर इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले, आखिर कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, स्टेज टू के लिए आपको कितने मिनिमम क्वालिफाई नंबर है वो इस बार आपको लाने होंगे। दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो यहां पर दोस्तों जनरली हम एक्स और वाई ग्रुप की अलग अलग बात करने वाले कि इस बार लगभग कट ऑफ मार्क्स आपके कितने रहने वाले, कितने तक आपको स्कोर करना होगा स्टेज टू के लिए, इस बार क्या वैकेंसी आपके इंक्रीज होगी क्योंकि लंबा समय हो चुका है कोविड के कारण लगातार एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा था और 7 से 8 महीने ज्यादा हो चुके एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर भी खाली पड़े। ऐसे में जवानों की कमी को देखते हुए क्या वैकेंसी आपकी बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आपके रिजल्ट के बारे में, आखिर आपका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। दोस्तों इस बार आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा समय यहां पर हो चुका है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको बहुत लंबा समय हो चुका है। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी बेसब्री से इंतजार है कि आखिर नई भर्ती भी कब तक आएगी क्योंकि इस साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आती है लेकिन इस बार नहीं आ पाई कोविड के चलते। तो अब दूसरी भर्ती, जब आपका पहली भर्ती का पूरा प्रोसेस कैज होगा उसके बाद ही आपकी नई भर्ती आएगी। लेकिन दोस्तों क्या इस भर्ती में आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल दोस्तों, इस बार चांसेस बहुत ज्यादा आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने का। अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है तो इसका फायदा सभी कैंडिडेट को मिलने वाला है। वैकेंसी इंक्रीज होगी, कट ऑफ आपके नीचे रहेगी। तो बिल्कुल अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी तो उससे पहले यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की जो एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके आपको पहले इंटीमेट किया जाएगा कि इतनी वैकेंसीज इंक्रीज की जा रही है। अब यहाँ पर इंतजार है दोस्तों कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। उससे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इतना स्कोर तो आपको करना ही होगा स्टेज टू के लिए। बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में अगर आप पूरी जानकारी डिटेल से पाना चाहते हो कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको कितने स्कोर करना होगा, अगर वाई की बात करें तो इंग्लिश और रागा में कितना कितना अलग अलग स्कोर करना होगा, ये पूरी अपडेट पाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं बोल दीजिएगा कि सर हमें पूरी डिटेल से बताओ तो नेक्स्ट वीडियो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मली एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं कि इतने नंबर तक आपका स्कोर होगा तभी जाके आपको स्टेज टू के लिए क्वालिफाई किया जाए, आपको क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों यहां पर इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई की बात करें तो यहां पर अगर आप इस बार की कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, 29 से लेकर 35, बिल्कुल दोस्तों इसी बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। अगर इतने नंबर आपके बन रहे 29 से लेकर 35 तक अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपका चांसेज बन रहा है स्टेज टू के लिए क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों में। दोस्तों वही एयरफोर्स की बात करें, अगर अक्स ग्रुप की बात करें तो अक्स ग्रुप की भी यही आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस बार की कट ऑफ, और पूरी डिटेल से हम आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मैं बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस सही होने के चांसेस है। साथ में नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से भी हम आपको बताएंगे अलग अलग आपको कि अलग अलग पार्ट में आपको कितने नंबर लाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके रागा में अच्छे नंबर आ जाते हैं लेकिन वो इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इस बार कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है तो दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अगर आपके इतने आसपास क्वेश्चन सही हो रहे, नंबर बन रहे तो आपका सिलेक्शन होने में का चांसेस बन रहा है स्टेज टू के लिए, आपको क्वालिफाई किया जा सकता है। यहां पर अब बात कर लेते दोस्तों आखिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, इस बार आपका प्रोसेस बहुत जल्द करवाई जाएगी एयरफोर्स की तरफ से क्योंकि एयरफोर्स की पूरी तैयारी है, लगातार कोविड के कारण आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है और ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। लगभग 20 नवंबर, जी हाँ दोस्तों 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों आप डिटेल से पूरी जानकारी पाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो वो भी हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।